हाय गाइज, कैसे हैं आप लोग। एक बार फिर से आप सबका आपके YouTube चैनल में बहुत बहुत अभिनंदन। फ्रेंड्स, आज की वीडियो के माध्यम से हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपको देने जा रहे हैं, लेकिन उसके पहले आप लोगों ने कमेंट करके दो चीज़ों पर फोकस किया था। एक तो आपकी शिकायत ये थी कि जो इग्नू का सिस्टम है उसमें एडमिशन लेने के बाद किताबें बहुत दिनों बाद में मिलती हैं, इवन एग्ज़ाम्स आ जाते हैं उसके बाद भी किताबें नहीं मिलती हैं। तो हमने इसके बारे में आपकी मदद के लिए एक स्टेप उठाया है। उसके बारे में आपको बता दूं कि अब इस चैनल पे हम आपके सभी टॉपिक्स के लगभग सभी टॉपिक्स के वीडियोस लेके आ रहे हैं, और हमने शुरुआत भी कर दी है। बीए बीकॉम बीएससी के फाउंडेशन कोर्स के वीडियो ऑलरेडी आपको मिल ही रहे हैं। दूसरी आपकी जो शिकायत थी वो ये थी कि इग्नू में जो क्लासेस होती हैं वो बस एक औपचारिकता के लिए होती हैं, वहाँ पर बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं बताया जाता। और ये फैक्ट भी है, क्योंकि वहाँ पे काउंसलिंग क्लासेस होती हैं। बेसिकली इग्नू में ये एक अंडरस्टैंडिंग है कि जो इग्नू का बच्चा है वो मैच्योरिटी के हिसाब से उस लेवल पे है, जब हायर एजुकेशन में बच्चा पहुँच रहा है तो उसको बस अगर काउंसिल कर दिया जाए, गाइड कर दिया जाए, तो वो बाकी चीज़ों को खुद भी एक्सेप्ट कर सकता है, पढ़ सकता है। और इवन इग्नू की जो बुक्स भी हैं उनको जब आप पढ़ेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि वहाँ पर देखिए बुक्स में शुरू में ही लिखा रहता है कि आज की क्लास में हम ये चीज़ें पढ़ेंगे, फिर लास्ट में लिखा रहता है कि आज के इस लेशन में हमने ये जाना। तो बुक्स ही कुछ इस तरह से तैयार की गई हैं कि जैसे आप एक क्लासरूम में बैठे हुए हैं और आपको चीज़ें बताई जा रही हैं, तो काफ़ी उससे मदद मिल जाती है। लेकिन जब बच्चे को एग्ज़ाम के समय तक किताबें ही नहीं मिल पाती तो वो बेचारा कैसे पढ़ेगा। तो इन्हीं सब चीज़ों को लेकर के हमने ये इनिशिएटिव लिया है, और आप लोगों ने इसकी सराहना भी की है कि जो आपके वीडियो लेक्चर्स हैं वो बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से टॉपिक्स बताए जाते हैं और आपको एग्ज़ाम में उससे काफ़ी मदद मिली है। तो इन सब के लिए हम आपके भी आभारी हैं, क्योंकि आपने हमारा साथ दिया, हमारा हौसला बढ़ाया और हमें गाइड करते रहे, मार्गदर्शन देते रहे, कमेंट्स के द्वारा, लाइक करके, शेयर करके और चैनल में जुड़ करके। तो उम्मीद करता हूँ आप आगे भी इसी तरह से हमारे साथ रहेंगे, और आपके जो इग्नू से संबंधित क्वेरीज़ हैं, स्पेशली जो इग्नू से संबंधित आपकी अगर कोई प्रॉब्लम है, एडमिशन है, री रजिस्ट्रेशन है, एग्जामिनेशन है, री एडमिशन है, कोर्स चेंज है, जो भी है, तो उसके लिए स्पेशली हम संडे में आपसे बात करेंगे एक लाइव इंटरेक्शन करके। आज का जो मेन वीडियो है हमारा, ये एक्चुअली में इग्नू के रूल्स रेगुलेशंस के ऊपर है, इसीलिए मैंने ये बात आपसे शेयर की कि संडे में हम और भी डिटेल में बात करेंगे, फेस टू फेस मोड पर बात करेंगे। आज हम आपको एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, जो इग्नू के बीए बीकॉम बीएससी के स्टूडेंट हैं और जिन्होंने जनवरी 2019 सेशन तक में एडमिशन ले रखा है, यानी कि जो भी पुराने बच्चे हैं। मैंने पहले भी आपको बताया था एक वीडियो के माध्यम से कि इग्नू का जो बीए बीकॉम बीएससी का प्रोग्राम है जो जुलाई 2019 से लॉन्च हुआ है वो चेंज हो गया है, इसका पैटर्न चेंज हो गया है, और ये चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम CBCS के माध्यम से इसको लॉन्च किया गया है, जो UGC का मापदंड है, जो UGC के डायरेक्शंस हैं उसको फॉलो करते हुए अब नए पैटर्न पे ये पाठ्यक्रम चालू किया गया है। तो फ्रेंड्स, हमने ये इग्नू की वेबसाइट थी, होम पेज पे अनाउंसमेंट सेक्शन पे गए, वहाँ पे एक इंपॉर्टेंट नोटिस आया हुआ है BA/BCom/BSc के उन बच्चों के लिए जिन्होंने जनवरी 2019 सेशन या उसके पहले एडमिशन ले रखा है। तो देखिए ये नोटिफिकेशन क्या कहता है, उसके बारे में आपको डिटेल करता हूँ, डिटेल में बताता हूँ। तो जैसा कि मैंने अभी आपसे जिक्र किया कि इग्नू ने जुलाई 2019 सेशन से चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम, जिसको कि CBCS के नाम से जाना जाता है, उसको लॉन्च कर दिया है, ठीक है ना। आप इसको इस तरह से भी समझ सकते हैं कि इग्नू का जो BA/BCom/BSc का प्रोग्राम है एक तरह से रिवाइज्ड हो गया है, यानी कि जुलाई 2019 सेशन से जो बच्चे एडमिशन लेंगे वो रिवाइज्ड कोर्स में दाखिला लेंगे, और जो इसके पहले के बच्चे हैं जनवरी 2019 और उसके पहले 2018, 2017, 2016, तो उन सब का प्री रिवाइज्ड कोर्स होगा। तो ये नोटिफिकेशन ये कहता है कि उन सभी बच्चों को जो प्री रिवाइज्ड कोर्स के बच्चे हैं उनको अपना जो प्रोग्राम है, जो उसकी निर्धारित अवधि है, जो उसका मैक्सिमम ड्यूरेशन है 6 ईयर, उस दौरान एक तो कंप्लीट करना ही है, और इसके बाद जो एडिशनल टाइम मिलता है उसको भी ले करके, यानी कि 6 साल में अगर आप का कार्यक्रम पूरा नहीं होता, कोई एक पर्टिकुलर कोर्स रह जाता है, तो उस केस में री एडमिशन होता है, उसकी फीस लगती है, और फिर आपको 2 साल का एडिशनल टाइम मिल जाता है, ठीक है ना। तो उस दौरान तक आपको वो पूरा कर लेना है। इन केस अगर आप इन सब के बावजूद भी, यानी कि 8 साल पूरा करने के बाद भी प्रोग्राम पूरा नहीं कर पाते, तो आपका जो अगला स्टेप होगा फ्रेश एडमिशन लेके बचे हुए जो कोर्सेस हैं उनको पूरा करने का जो स्टेप होगा, उसमें आपको नए वाले कोर्स नहीं मिलेंगे, जो रिवाइज्ड हुआ है वो
नए वाले जो चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम में जो कोर्सेस हैं वो आपको नहीं मिल पाएंगे, यूनिवर्सिटी आपको अलाउ नहीं करेगी ट्रांसफ़र करने के लिए नए वाले क्रेडिट के हिसाब से। तो इसके लिए आपको पुराने वाले ही कोर्सेस को फॉलो करना होगा। यहाँ पे थोड़ा सा आपको हो सकता है प्रॉब्लम जा रही हो शब्दावली समझाने में, तो मैं एक बार फिर से आपको बता दूँ कि इग्नू का एक सिस्टम है कि एक होता है कि मिनिमम ड्यूरेशन और मैक्सिमम ड्यूरेशन। जैसे बीए का प्रोग्राम है, मिनिमम ड्यूरेशन आपको मिलता है 3 साल और मैक्सिमम ड्यूरेशन मिलता है 6 साल। इसका मतलब ये है कि आप 3 साल तो आपको देने हैं क्योंकि मिनिमम ड्यूरेशन है, उसके पहले आपकी डिग्री पूरी होगी ही नहीं, और उसके अलावा 3 साल आपको और मिलता है क्योंकि यहाँ फ्लेक्सिबिलिटी बहुत ज़्यादा है, 6 साल तक में आपको पूरा करने का इग्नू अवसर देता है। इसके बाद भी अगर आप पूरा नहीं कर पाए तो इग्नू ने एक रूल बना रखा है कि आपको 2 साल और समय मिलेगा। उसकी एक निर्धारित फीस है, रीएडमिशन की फीस होती है, जो आपके कोर्सेज पूरे नहीं हो पाए यानी जो कोर्सेज आपके नॉट कम्प्लीट है उनको पूरा करने के लिए आपको रीएडमिशन के थ्रू यानी कि इग्नू को एक एडिशनल फीस दे करके अलग से आपको 2 साल का समय मिल जाता है। तो पहले आपको मैक्सिमम ड्यूरेशन मिला 6 साल, इसके बाद 2 साल आपको और मिल गए यानी कि 8 साल मिल गए। बाय चांस मान लीजिए कभी ऐसी स्थिति बनी कि 8 साल पूरा करने के बाद भी आपका कोई पर्टिकुलर कोर्स पूरा नहीं हो पाया किसी कारण से, तो इस स्थिति में क्या होता है, क्रेडिट ट्रांसफ़र का कॉन्सेप्ट होता है। क्रेडिट ट्रांसफ़र का क्या कॉन्सेप्ट है, क्रेडिट ट्रांसफ़र का कॉन्सेप्ट ये कहता है कि आपने जो कोर्सेस पूरे कर लिए हैं, ठीक है, जो कोर्सेस आपने पूरे कर लिए हैं उनको, उनके जो क्रेडिट्स हैं आपको नए सिरे से ट्रांसफ़र कराने होंगे और आपको फ्रेश एडमिशन लेना होगा, बिल्कुल न्यू एडमिशन आपको लेना होगा, नए सिरे से आपका एडमिशन होगा उस पर्टिकुलर प्रोग्राम में, और जो आपने ऑलरेडी कोर्स पूरे कर लिए हैं उनके क्रेडिट ट्रांसफ़र होंगे, एक फीस देनी होगी उसके माध्यम से आपके वो क्रेडिट ट्रांसफ़र हो जाएंगे, और जो कोर्सेस आपके बच गए, मान लीजिए एक कोर्स बच गया, 2 कोर्स बच गया, उसको आपको नए सिरे से पूरा करना होगा। तो ये तो एक कॉन्सेप्ट था, मैंने आपको बताया कि रीएडमिशन क्रेडिट ट्रांसफ़र होता है। तो इग्नू ये कहता है कि ये सभी बच्चे जिन्होंने जनवरी 2019 तक बीए बीकॉम बीएससी में एडमिशन लिया है उनके लिए जो नया वाला प्रोग्राम लॉन्च हुआ है वो वाले कोर्स ऑफर में नहीं होंगे। जब आप फ्रेश एडमिशन लेंगे तब भी वो नए कोर्स आपको नहीं मिलेंगे, क्रेडिट ट्रांसफ़र होंगे वो भी पुराने पैटर्न के हिसाब से होंगे, जो आपको मार्कशीट मिलेगी वो भी पुराने सिस्टम के हिसाब से मिलेगी, यानी कि आपके उसमें बीए जी, बीकॉम जी, बीएससी जी, जो कि आज जुलाई 2019 सेशन से इनके नाम चेंज हो गए हैं, अब बीए जी, बीकॉम जी, बीएससी जी हो गया है, वो भी आपका कन्वर्ट नहीं होगा। तो कहने का आशय ये है कि आपको ये इंश्योर करना है कि अपना जो आपका प्रोग्राम है उसको टाइमली आपको पूरा कर लेना है, जिससे आपको इन सब परेशानियों का झमेला ना रहे। तो इस नोटिफिकेशन के माध्यम से इग्नू ने सभी बच्चों को यही संदेश दिया है कि आप अपने प्रोग्राम्स को टाइमली पूरा कर लीजिए। दूसरी एक और महत्वपूर्ण बात आपको बतानी है, बहुत सारे लोगों ने कमेंट करके भी कहा था, इस बार के जो एग्ज़ाम्स हो रहे हैं उसमें एक चेंज हुआ है विश्वविद्यालय ने। तो फ्रेंड्स, इस बार का जो एग्ज़ाम चल रहा है इग्नू का, उसमें एक चेंज यूनिवर्सिटी ने किया कापियों के बारे में। जनरली पहले क्या होता था, विद्यार्थियों को एक मेन कापी मिलती थी, एक सप्लीमेंट्री कापी मिलती थी, ठीक है। जब मेन कापी आपकी भर जाती थी तो आप सप्लीमेंट्री कापी की डिमांड करते थे, एग्ज़ाम सेंटर में आपको सप्लीमेंट्री कापी मिलती थी और उस मेन कापी के साथ ही आप अपनी सप्लीमेंट्री वाली जो कापी है, पूरक वाली जो कापी है, उसको लगा के आप अपना एग्ज़ाम दे देते थे, आपकी वो कापियाँ एवेल्यूशन के लिए भेज दी जाती थी। इस बार से क्या हुआ है, ये सभी एग्जाम सेंटर पर है कि नहीं इसके बारे में कन्फर्म नहीं है, बहुत सारे एग्जाम सेंटर में अभी भी पुराना सिस्टम चल रहा है, यानी कि वो पुरानी कापियाँ ही मिल रही हैं, जो पहले एक मेन मिलती थी और उसके बाद फिर अगर अब वो कापी आपकी भर गई तो सप्लीमेंट्री मिल जाती थी, ठीक है। लेकिन कुछ एग्जाम सेंटर पे विश्वविद्यालय ने क्या किया है कि सप्लीमेंट्री कापी का प्रोविजन नहीं है, मेन वाली कापी में पेज नंबर्स बढ़ा दिए हैं, यानी कि अब अलग से सप्लीमेंट्री कापी आपको नहीं मिलेगी, उतने ही पेजेस में जो कि ऑलरेडी बढ़े हुए हैं पेज, ऐसा भी नहीं है कि वो छोटी कापी रहेगी, कापी में सफिशियंट नंबर ऑफ पेजेस इंक्लूडेड हैं, उसी कापी के माध्यम से आपको अपने आंसर्स लिखने हैं। तो ये बहुत लोगों को उत्सुकता थी, कई वालों ने बोला कि ऐसा क्या हुआ है, और बहुत सारे लोगों ने इसके बारे में कमेंट भी किया। तो मैं आपको बता दूँ कि ये इग्नू की एक व्यवस्था है इस, और अब सप्लीमेंट्री कापी का कॉन्सेप्ट ख़त्म कर दिया है विश्वविद्यालय ने, एक ही कापी आपको मिलेगी लेकिन वो कापी मोटी होगी और उसमें आप जो आंसर लिखें तो उस हिसाब से लिखें कि आपके सभी प्रश्नों के उत्तर उसमें समाहित हो जाएं। तो ये एक नए डिसीजन हुआ, उसके हिसाब से उसका इम्प्लीमेंटेशन हुआ है। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तत्काल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत, बाय।